यूज कैंस को रिसाइकल कर रहे हो ना, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मॉम, ये हमारा ही तो प्लैनेट है और इसे साफ रखना हमारी ही तो ड्यूटी है, हमारे बच्चों के लिए और पीढ़ियों के लिए। करण, बिनिया नहीं है तो फिर इसे तू ही फेंक लेना। है ना सर, अगर आपका ड्रिंक खत्म हो गया है तो थैंक्स। तुमने मेरे गेस्ट को तंग करना कब बंद करोगे? और ये मेरी लॉबी को कबाड़ खाना क्यों बना रखा है? चलो बाहर फेंको। मानसिक जी, ये अच्छा, तो बाहर फेंको अभी। ओके ओके सॉरी। बहुत अच्छे अब इससे बुरा क्या हो सकता है, है ना? मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया। अच्छा हो ना हमारे कैंस पर गिरे, वरना चोट लग सकती थी। प्लीज प्लीज उठिए प्लीज। मानसिक मानसिक मानसिक, मेरा नया योगा मैट आया क्या? नहीं अभी नहीं, देख रही हूँ मैं, बिजी हूँ। ओके रिलैक्स रिलैक्स। और मानसिंह जी, मानसिंह जी को तो रिलैक्स का मतलब भी नहीं मालूम। एक जमाने में मैं बहुत रिलैक्स हुआ करता था, लेकिन फिर तुम और तुम्हारे ये तूफानी बच्चे मेरे होटल में आ गए। उसके बाद डायनासोर की तरह मेरा ये रिलैक्स चेहरा हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गया। क्या आपने मेरे तूफानी बच्चों को डायनासोर बुलाया? हाँ। आप दोनों कितने स्ट्रेस्ड हैं, योगा करना चाहिए। मैं स्ट्रेस नहीं हूँ। मैं भी स्ट्रेस नहीं हूँ, और अगर कभी हो भी जाती हूँ तो इनकी वजह से होगी। मेरी वजह से? तुम अपने इन तूफानी बच्चों को मेरी लॉबी में खुलेआम घूमने देती हो। और नहीं तो क्या? मैं। वाह, तुमने ये कैसे किया? ये रिलैक्स करने की एक नई टेक्निक है जो मेरे योगा गुरु ने मुझे सिखाई है। हमें भी सिखाओ। लेकिन पहले मुझे, पहले मुझे, पहले मुझे, मैं पहले आया। मैं तेरे से बड़ा हूँ। I love you, Karan. I love you, Kabir. नहीं दिया, तुम्हारा डैडी तुमसे जो भी कहे, किसी की शर्ट के अंदर क्रेयॉन्स डालना अच्छी बात नहीं है। ठीक है दीदी। देखो बिन्नी, मेरी उंगली पे फिर से चोट लग गई, तुम किसी दे के ठीक कर दो ना। मैं तुम्हारी उंगली को 5 बार किसी दे चुकी हूँ। वैसे बिन्नी, मेरे गाल पे भी चोट लगी है। जाओ। देखा, लड्डू है मुझ पर। विनी, ये देखो, मैं ये सारा कचरा रिसाइकल कर रहा हूँ कि मुझे अपने प्लैनेट के लिए कुछ करना है। हाउ स्वीट करण। देखा, मुझ पे लड्डू है, चल अब काम पे लग जा। तुम लोगों ने अनीशा को देखा है क्या? वो मेरी मदद करने वाली थी। नहीं, लेकिन अनीशा के आने तक हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। थैंक्स करण, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस काम के लिए थोड़े छोटे हो? बिनी बिनी बिनी, बच्चों का ख्याल रखना बच्चे से अच्छा कौन जान सकता है। अच्छा, लेकिन तुम बदले में क्या लोगे? कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ कॉफी पे जाने का एक मौका। हंसती क्यों है? अबे तू मेरी बिनी से दूर ही रह, समझा? कबीर, ये देख, टिंगू रोमियो। टिंगू किसका बोला रे? ये पागलों का हाथ देखा है ना, जब किसी पे पड़ता है ना तो फिर हाँ। ये पागलों का हाथ है, मुझे 100 ग्राम का लग रहा है। मेरा हाथ देख लिया ना, अब पैर भी देख ले। अगर तुम लोगों को बच्चों का ध्यान रखना है तो खुद बच्चे बनना बंद करना होगा। आओ ना मानसिंह। नहीं नहीं, सब मुझ पर हंसेंगे। कोई भी नहीं हंसेगा, आओ। ठीक है, अब जल्दी मेरा कान पकड़ो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मुझे एक होटल भी चलाना है। मैं पूरा दिन थोड़ा तुम्हारा कान पकड़े रहूंगी, तुम्हें अपनी टेंशन को बाहर निकालना खुद सीखना पड़ेगा। लो, निकल गया इनका टेंशन। देवियों और सज्जनों, अगले 1 घंटे के लिए ये कमरा शांति और सुकून का मंदिर होगा। आई एम सॉरी, 1 मिनट, आप अपना शांति और सुकून जारी रखिए। एक मिनट, जय।
तुम इस क्लास की शांति भंग कर रहे हो। अरे वहाँ कोई लॉबी में एक आंटी भांगड़ा पाले कर रही है। तो और भी तो काम करने वाले लोग हैं ना जो उनके साथ नाच सकते हैं। देखा, इसी वजह से स्टाफ के सब लोग तुम्हारी कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट? मेरी कंप्लेंट? किसने की मेरी कंप्लेंट? आह, वो हरिप्रसाद, वो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करता। हमेशा टेंशन में रहते हो और फिर सबके ऊपर चिल्लाते हो। प्यार से बात करना सीखो। तुम उस आंटी को खुद संभालो। चलो अब हम गुरुजी की बात सुनते हैं। देवी और सज्जनों, शुरू करते हैं बृहस्पति आसन से। ये आपने कहाँ से सीखा? इंटरनेट पे? क्या मतलब? मतलब कि मैं योगा को सही तरीके से करना जानती हूँ और हम सबसे पहले ब्रह्मकारी आसन करते हैं। नादान बालिके, मैं 20 साल से योगा सिखा रहा हूँ। <होगी। laughs> मैं तो ऑलरेडी बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, और आप? हेलो डॉगी भैया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ तेरा भैया, आप कैसे हो? ऊपर का हाल कैसे है? ऊपर का नहीं पता, पर यार नीचे तो हम लोग एकदम बोर हो रहे हैं। बिनी बिनी बिनी, जल्दी चलो, तुम्हारी दादी लॉबी में डिस्को कर रही है। ओह नो, फिर से? हाँ, और उन्होंने मुझे कुछ स्टेप्स भी सिखाया। लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रही है? मैं तो उन्हें घर पे अपने भाई के साथ छोड़कर आई थी। वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारी दादी की नाइटी पे ये नोट लगा हुआ था। मूवी देखने जा रहा हूँ, ये रही दादी, बाद में मिलते हैं। गोलू टफर कहीं का, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? जंग बहादुर, तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना होगा। नहीं। हाँ देखो, मैं दादी को घर पे छोड़कर फटाफट वापस आ जाऊंगी। वैसे भी इनका सोने का टाइम हो गया है। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। तुम्हारा नहीं, उनका सोने का टाइम हो गया है। गर्ल कभी तुम्हारी मदद करेंगे। ओके फाइन, बाय बिनी। बाय बिनी। ये क्या मुसीबत है यार। जंग बहादुर, तुम टेंशन मत लो, इन बच्चों को संभालना बच्चों का खेल है। एक्सक्यूज मी, मैं बोर हो रहा हूँ। वेरी गुड, ना जाके सो जाओ। मैंने अभी अभी 4 कैंडीज और 2 चॉकलेट्स खाई है, सोने का तो चांस ही नहीं है। बस गुलाल, तू जिस स्कूल में पढ़ता है मैं उसका प्रिंसिपल हूँ। एक बार मैंने 20 कैंडीज और 10 चॉकलेट खाई, फिर भी मुझे क्लास में नींद आई। चल अब चुपचाप जाके लेट जा। धीरे धीरे अपनी सांसों को अंदर लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। एक बात कहूँ? अगर ये मेरी दाढ़ी के जुओं के बारे में है तो रहने दो। नहीं, ये आपके बेकार योगा स्टाइल के बारे में है, और हाँ, आपकी दाढ़ी के जुओं के बारे में भी। नादान लड़की, हम अपनी दाढ़ी का अपमान तो सह सकते हैं, लेकिन योगा का अपमान कभी नहीं सह सकते। तुम्हें मालूम होना चाहिए, योगा मास्टर होने से पहले हम जूडो मास्टर हुआ करते थे। अरे मैं यहाँ 20 मिनट से योगा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कोशिश तो करें, लेकिन नतीजा एकदम जीरो। रिलैक्सेशन का तो पता नहीं, पर इस क्लास में मजा बहुत आ रहा है। तुम्हें अगर इतना अच्छा योगा आता है तो तुम सिखाती क्यों नहीं हो? ठीक है, मैं चला। चलो ठीक है, अब मैं भी चला। नहीं, मैं तुम्हारी सेहत के लिए कर रही हूँ। ओके ओके ओके। अब मैं आप लोग की नई योगा टीचर हूँ, चुपचाप बैठे रहो। ये लो, ये दिन भी देख लिया। अब हम रिलैक्स करेंगे दिमाग और मन को शांत। मानसिक, मुझे बहाने पर मजबूर मत करो। मानसिंह जी पकड़े गए। क्या बचपना है। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी वहां नहीं आ सकता। अरे मेरी योगा टीचर मुझे मारेगी। देखो जंग बहादुर से करो कि इस प्रॉब्लम का हल निकाले। ओके टीचर। मानसिंह जी मैसेज कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कहां? ये तो वाइब्रेटर मोड पर है। शुरू करते हैं। कबीर, ये तो एकदम से सो गई। तूने ये झूलने वाला तरीका कहां से सीखा? करण,
ये कोई तरीका नहीं है, मुझे जोर से सुसू आ रही है। बिन्नी, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मुझे उस करण को रास्ते से हटाना होगा। इस टिकू को तो पिंजरे में बंद कर देना चाहिए। जिगमेत सिंह के वांगचू नमजल चंद बहादुर बोल रहा हूँ। लॉबी में, लॉबी, लेकिन मैं तो यहाँ पर। चंद बहादुर, तुम जा सकते हो, हम इन लोगों को संभाल लेंगे। लेकिन मैं छोटे बच्चों को, उनसे भी छोटे बच्चे संभालने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम जल्दी से जाके जल्दी वापस आ जाओ, तब तक ये सोते रहेंगे। जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का? मैं अभी जाके अभी आता हूँ। चाहते हो? आइए, क्या करूं मुझे? हाँ, छुपा छुपी खेलना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम सब जाके छुपो, हम तुम्हें पकड़ते जाओ। पर चीटिंग मत करना। हाँ ना भाई, जाना तू छुपना। चलो। वन टू थ्री ओपन अगेन। सारे बच्चे लोग किधर गए? हम उनके साथ छुपा छुपी खेल रहे हैं। करण, बच्चे यहाँ नहीं है। क्या मतलब? मतलब वो लोग भाग गए। क्या? क्या? अब क्या करें? जंग बहादुर, तुम बेबी का ध्यान रखो, कभी चलो ले ढूंढ के आते। चल। अबे दे, दे, दे। हेलो, क्या? लेकिन अभी मैं बहुत बिजी हूँ। मानसिंह जी ने कहा तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे तो सब गड़बड़ है। ये शुक्र है, अब इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, है ना? हो गया। अब आप रिलैक्स फील कर रहे हैं? रिलैक्स का तो पता नहीं, लेकिन मेरे पैर सुन पड़ गए। रिलैक्सेशन मेरे लिए नहीं है, मुझे जाने दो प्लीज। नहीं, मैं आपको हार मानने नहीं दूंगी। जब आप मुझे अल्फाबेट सिखाए थे, तब आपने भी मुझे हार नहीं माने दी थी। यानी उसमें मुझे 10 साल लग गए थे। हाँ, लेकिन उसी की वजह से आज मुझे ABD से लेकर UBG तक पता है। आप लोग अपने दाएं पैर का अंगूठा अपने बाएं कान में डालेंगे। चलिए। टीचर जी, कान साफ करने का कोई और तरीका नहीं है क्या? प्लीज मानसिंह। ओके। कबीर, कोई भी मिला? अभी तक एक भी नहीं। ये दो वॉकी टॉकीज हमारे लिए, हम इससे कभी भी बात कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चे गए कहाँ पर? पता नहीं यार, लेकिन वो देख। हा हा हा,
टर्न अराउंड। करण, अगर मैं वापस ना आऊं तो माँ का ख्याल रखना। हाँ मेरे भाई। रुकी करण, चिपकली चिपकली कमल। करण, हमेशा मेरा ही कोड नेम चिपकली क्यों रहता है? ठीक है तू रो मत, मधुमक्खी कॉलिंग अनारकली। करण आई हेट यू। ठीक है कबीर, अब सावधान, मुझे एक और टारगेट मिल गया। हेलो भैया। चड्डी, जल्दी से इधर आ जाओ वरना मैं इसकी मूछे बना दूंगा। नहीं, पकड़ लिया। आई हेट यू। थैंक यू। Excuse me, मैं थोड़ा बिजी हूँ। जल्दी चलो, जल्दी 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 जल्दी। हेलो, राजमहल में आपका स्वागत है सर। एक मिनट प्लीज। हाँ हाय जंग बहादुर, बेबी बहुत क्यूट है। थैंक यू। एक मिनट, अगर ये बेबी यहाँ पे है तो बाकी बच्चे कहाँ पे हैं? मैंने तुम्हें उनकी जिम्मेदारी दी थी ना। लेकिन मान सिंह जी ने और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दी है, तुम टेंशन मत लो, करण और कबीर उनको संभाल रहे हैं। भाई रुक जा, वरना वरना क्या, ये तेरे लिए। मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा जाने मान। तुम गुस्से में इतनी खूबसूरत दिखती हो। तो इस वक्त मैं मिस इंडिया लग रही होंगी क्योंकि मैं उतनी गुस्सा हूँ। नहीं, तुम मुझ पर भरोसा रखो और देखो मैंने बच्चों को कैसे संभाल के रखा है। ये कैसे हुआ? छोटे बच्चे की वजह से उसने मेरे भोलेपन का फायदा उठाया। वो शैतान है, शैतान! तुम मुझे पकड़ नहीं सकते हो। तुमने अपने दुश्मन को अपना वॉकी टॉकी दे दिया है। तुम्हें नौकरी गई। एक मिनट, ये वॉकी टॉकी और वो वॉकी टॉकी कनेक्टेड है, तो इसका मतलब हम तेरे इस वॉकी से उस क्रिश को ढूंढ सकते हैं। अरे अरे अरे, मुझे तो ले जाओ। वहां उस फ्लावर्स के पास। ये कोई बच्चा नहीं, सुपर विलेन है। एक फूल के लिए एक छोटा सा फूल, लव क्रिश। ओह सो स्वीट। फूल को तो मैं देख लूंगा, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? वो देखो, चॉकलेट की रैपर्स। एक मिनट, ये जरूर उनकी कोई चाल होगी, हमें सावधान रहना होगा। बिनी के लिए मैं ये चांस लेने को भी तैयार हूँ। चल अब तू आगे। आपकी उन दो राक्षसों ने आज मुझे सच में फंसा दिया है। राक्षस? हाँ मानसिंह, बिल्कुल ऐसे ही। अपनी सारी टेंशन, पूरे ख्यालों को छोड़ दो। ये मेरे हाथ छोड़ेंगी तो मैं कुछ छोड़ूंगा ना। मुझे जाने दो प्लीज। मानसिंह आप ट्राई नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
ओके, अपनी योगा पोजिशन में बैठिए, आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और अपने दिमाग को खाली कीजिए। तुम्हारे लिए तो ये बहुत आसान होगा ना। अपनी बॉडी रिलैक्स कीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और देखिए आपकी सारी टेंशन अंदर से बाहर जा रही है। जिंदगी में पहली बार मुझे इतना सुकून महसूस हो रहा है। बैठ जाओ। अब मानसिंह जी प्लीज जरा मदद कर दीजिए। ये क्या हो रहा है? ये मेरे होटल में ये बच्चे भगदड़ क्यों कर रहे हैं? और इनके रखवाले कहाँ हैं? अटेंशन, बाएं मुड़। मानसिंह जी, आपको बच्चों ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? किया। बिनी कुकरेचा, यहाँ क्या हो रहा है? ये एक योगा क्लास है जहाँ लोग रिलैक्स कर रहे हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा ये मतलब नहीं था। सॉरी मानसिंह जी, लेकिन मेरी दादी लॉबी नहीं एक्चुअली भांगड़ा, एक्चुअली बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई थी और मुझे बच्चों को जंग बहादुर के हवाले करना पड़ा। मैं भी सॉरी मानसिंह जी, लेकिन हमको आपका आदेश मानना था, इसीलिए हमने बच्चों को करण और कबीर के हवाले छोड़ दिया। यानी कि ये सब आपकी गलती है मानसिंह जी। लेकिन आपके और हमारे पुराने दोस्ती को नजर में रखते हुए हम आपको माफ करते हैं। कितना बड़ा दिल है आपका, लेकिन इस गलती की जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो उठानी पड़ेगी। मानसिंह जी, आप जानते नहीं है इन बच्चों को संभालना कितना डिफिकल्ट है। तो वो किसी की सुनते हैं और ना उन्हें बड़ों की इज्जत करना आता है, और तो और वो सारा दिन लॉबी में इधर से उधर भागते रहते हैं। ये कितना जाना पहचान लगता है ना। तो बच्चों, देखा कि बच्चों का ख्याल रखना इतना आसान काम नहीं है, क्यों? और शायद इसके बाद तुम दोनों शरारत करने से पहले दो बार सोचोगे। बिल्कुल, कभी नहीं होने वाला। देखो आज इस होटल में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से राजमहल की इज्जत मिट्टी में मिल गई, और उसकी वजह से तुम में से किसी ना किसी को तो। एक्सक्यूज मी, मुझे अपने बेटे से पता चला है कि आज यहाँ क्या क्या हो रहा था। मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। माफी? किस बात की माफी? इसे आज यहाँ इतना मजा आया कि ये कल से रोज करण और कबीर के साथ खेलने आने वाला है। और मैं अपने भाई बहनों को भी साथ में लेके आऊंगा। कल मिलते डाल रहे, चलो। और तुम्हें पता है, एक तरफ होटल के बच्चे और दूसरी तरफ मेरी दादी, जिनके साथ मुझे घर जाके भांगड़ा पाल करना पड़ेगा। इन्हें तुम्हें रिलैक्स करने के लिए योगा करना चाहिए। हाँ जरूर, होमवर्क, यहाँ का काम, बच्चों के पीछे भागने के बाद और अपने कपड़ों पे से क्रियॉन्स की दाग निकालने के बाद जो बहुत। ओ रानी, यू आर द बेस्ट।